सब कैसे हैं आप सब, वेलकम टू द कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज की जो टॉपिक है, आज मैंने इकोनॉमिक्स की एक नई सीरीज स्टार्ट की है। उस सीरीज में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ईयर में बहुत सारी चीजें डिमांड के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा हम लोगों ने डिमांड के बारे में, कि डिमांड होता कैसे है, क्या चीजें होती है। वहां पे डिमांड इंडिविजुअल होता है, यहाँ पे डिमांड क्या है, एग्रीगेट है। एग्रीगेट का फॉर्म मतलब कि पूरा होलसेल में हमको डिमांड लेना है, ठीक है। दैट मींस कि कोई पर्टिकुलर गुड्स नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज को टैकल करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ईयर के वो दिन याद करते हैं। सबसे पहले दो मिनट में हम लोग डिमांड को कवर करने के लिए फर्स्ट ईयर के वो दिन याद करते हैं। क्या था फर्स्ट ईयर का दिन, कि डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर वांट टू परचेस एट ए गिवन प्राइस एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड कुछ चीजों से मिलकर बना हुआ था, जैसे कि हमारी डिजायर, सबसे पहले हमारी डिजायर होनी चाहिए, फिर उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, उसकी प्राइस होनी चाहिए, और उन पांच चीजों से मिलकर डिमांड बनता है। आज का जो टॉपिक है वो एग्रीगेट डिमांड का है। मैं क्या कर रहा हूं, एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ये दो चैप्टर एक ही तरह से है। कुछ चीजें हम लोग की, ठीक है, कॉन्सेप्ट अलग से नहीं पढ़ना है, उसी में इंक्लूड करके पढ़ना है। तो एग्रीगेट डिमांड के साथ साथ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम भी समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले देखो एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ, इकट्ठा। दैट मींस कि सब लोगों के डिमांड को हम लोग जब इकट्ठा कर लेते हैं, तो होल ऑफ द स्टोरी अगर हमको पढ़ना हो शॉर्ट फॉर्म में, तो सबसे पहले नॉट एनी पर्टिकुलर गुड्स एंड ऑल गुड्स एंड सर्विसेस। तो एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, कोई भी पर्टिकुलर गुड्स नहीं होता, उसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेस होते हैं। दूसरी चीज, अकाउंटिंग ईयर किस ईयर में होना चाहिए, अकाउंटिंग ईयर में होना चाहिए, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड किस ईयर में होता है, अकाउंटिंग ईयर में होता है। तीसरा चीज, जनरल प्राइस लेवल। अगर मान लो हम सबकी बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लो हम किसी इंडिविजुअल की प्राइस को मेक कर रहे हैं, तो वो एग्रीगेट डिमांड कहां से हुआ, जनरल प्राइस लेवल, मतलब सब लोगों की प्राइस को मिला के एग्रीगेट डिमांड बनाया जाता है। तो इसमें सबकी प्राइस चाहिए। थर्ड, मेजर ऑन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम किसी चीज की डिमांड हमको निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर से, टोटल फिजिकल क्वांटिटी से नहीं निकालेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, और इसमें से जो इसकी फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसमें से नहीं निकालेंगे, किसमें से निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर में से निकालेंगे। मतलब इस पे कितना खर्चा हुआ, इसमें कितना बनाया गया, ये मैटर नहीं करता है, इसकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, इसमें कितना एक्सपेंडिचर हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, वो मैटर करता है। तो ध्यान जरूर देना, क्योंकि एक एक पॉइंट को भी हमको छोड़ना नहीं है, समझाना भी है पूरा का पूरा, और आप लोग को थोड़ा सा इंटरटेन भी करना है, ठीक है। तो मेजर ऑन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सप्रेस एज विश टू स्पेंड और प्लान टू स्पेंड। मतलब कि जो डिमांड होती है वो क्या एक्सप्रेस करना चाहती है अपने आप को, वो एक्सप्रेस करना चाहती है कि विश टू स्पेंड, कितना वो खर्चा कर सकती है और कितना प्लान कर सकती है स्पेंड करने के लिए। दैट मींस कि पीपल एक्सप्रेस करना चाहते हैं विश टू स्पेंड और प्लान टू स्पेंड। तो अभी तक मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि एग्रीगेट डिमांड डिमांड चैप्टर का ही एग्रीगेट फॉर्म है। कैसे, इन चीजों को मैंने समझाया। अब हम लोग बात करते हैं बिहेवियर ऑफ एडी की। बिहेवियर का मतलब होता क्या है, कि एडी का बिहेवियर कैसा होता है। जैसे हमारा बिहेवियर, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है ना, उसी तरह एडी का भी बिहेवियर अलग होता है। कैसे अलग होता है, एक तरफ हमारी इनकम है और दूसरी तरफ क्या है, एग्रीगेट डिमांड है। तो इनकम क्या है, सबसे पहले इनकम जीरो। अच्छा ये बताओ, जब हमारी इनकम जीरो होती है तो क्या फिर भी हम डिमांड करते नहीं है। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनकी इनकम जीरो है, फिर भी वो डिमांड कर रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का भी नेचर ऐसा ही होता है, जब हमारी इनकम जीरो होती है तो डिमांड हम कुछ ना कुछ करते हैं, थर्टी करते हैं। तो इसको तुम लोग फॉर्मेट को बना भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही फॉर्मेट ही लिखोगे। तो इनकम जीरो, बस थोड़ी सी चीजें याद कर लो, इनकम अगर जीरो तो एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ वैल्यू रखोगे, तो यहाँ पे मैंने 30 रख दिया। फिर अगर इनकम 20 होगा तो एग्रीगेट डिमांड 35 होगा। तो अगर हमारी इनकम हो गई अधिक तो डिमांड भी हमारी बढ़ गई। तो इनकम हमारी, एग्रीगेट डिमांड कितना हो गया हमारा 35, फिर इनकम हमारी 40 हुई, 40 हमारी इनकम हो गई, तो एग्रीगेट डिमांड कितना हो गया 40। तो सोचो एक टाइम ऐसा था कि जब हमारी इनकम जीरो थी और डिमांड हम कुछ ना कुछ कर रहे थे,
और एक टाइम ऐसा आया कि इनकम हमारी 40 ही है और उतना ही डिमांड हम कर रहे हैं, 40 रुपए में 40 रुपए खर्च कर दे रहे हैं। फिर 60 रुपए इनकम हुई, अब हम 45 ही एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आई जहां पे इनकम हमारी 100 थी बट डिमांड का लेवल कितना था, कम था। तो ये बिहेवियर होता है ईडी का, हम हमारे इकोनॉमिक्स ने ऐसे ही बनाया है एग्रीगेट डिमांड को। तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना कि इनकम जैसे जैसे हल्की हल्की पहले बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, बट एक सिचुएशन ऐसा आ जाएगा आपको भी जब टेबल बनाओगे तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि जब एक बार इनकम जीरो होगी तो डिमांड कुछ ना कुछ होगी, बट जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी ठीक है डिमांड भी बढ़ेगी, बट इनकम जब हमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी तो डिमांड हम अपनी इनकम से कम करने लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिचुएशन। अब आते हैं अपने ग्राफ की तरफ। ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस में हमको प्लॉट करना है इनकम और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वाई एक्सिस पे हमको प्लॉट करना है एग्रीगेट डिमांड। तो सबसे पहले हम इनकम की लाइन बना लेते हैं क्योंकि इनकम क्या है हमेशा पॉजिटिव रिलेटेड है, जब 0, 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, दैट मींस कि इनकम हमारा पॉजिटिव रिलेटेड है। तो इनकम हमको पॉजिटिवली बढ़ाना है ना, और एग्रीगेट डिमांड इनकम को कट करते हुए एक पॉइंट ऑफ लाइन से निकल जाएगा। किस पॉइंट ऑफ लाइन से कट कर रहा है, जब हमारा इनकम 20 था तो एडी कितना हो गया 35, और जब इनकम हमारा 40 था तो एडी भी कितना हो गया 40। दैट मींस कि ये जो पॉइंट है ये ब्रेक इवन पॉइंट बन गया जहां पे एग्रीगेट डिमांड और इनकम एक दूसरे के आपस में मिल गया। ठीक है, और एडी इज इक्वल टू क्या हो गया, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, याद रखना सब लोग, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एडी होता है। अब हम लोग यहां तक तो समझ गए कि भैया ठीक है एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, एग्रीगेट डिमांड ये सारी चीजें, बस इतनी ही चीजें आपको पढ़नी है जो यहाँ पे बता रहे हैं, उससे अधिक कोई भी चीज पढ़ने का कष्ट ना उठाए क्योंकि सारा कष्ट मैं उठा रहा हूं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बिहेवियर ऑफ एडी और इनकम एडी की लाइन हो गई। अब अगली बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एडी, एडी के कंपोनेंट होते क्या है। तो सबसे पहले भाई हमको दो चीजें ग्राफ में कर लेना है, एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी और दूसरा होता है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, ये टू सेक्टर और थ्री सेक्टर की थ्योरी पे बिलीव करता है। किस सेक्टर की थ्योरी पे, टू सेक्टर और थ्री सेक्टर। बस इजीली हमको इक्वेशन पढ़ना है, पहला इक्वेशन क्या है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी प्लस आई, सी मतलब हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर की थ्योरी पे क्या रिप्रेजेंट करता है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें दोनों तरह के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सी प्लस आई प्लस जी, यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर आ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गया, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, जो यहाँ पे थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। किस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को, थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को। अब हम लोग बात करते हैं ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हमको अपनी ओपन इकोनॉमी पे भी पूरा बिलीव हो गया और ओपन इकोनॉमी को भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एएस क्या है। आपकी बुक में अलग से दे रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ एएस, बट वो अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे इनकम की लाइन होती है ना, वैसे ही एएस की लाइन होती है। दैट मींस कि इनकम इज इक्वल टू क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता क्या है, सबसे पहले देखो हमारी इनकम जीरो हो तब भी हम कुछ ना कुछ तो कंजप्शन करेंगे ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो ठीक है मेरी इनकम जीरो है या फिर तुम्हारी इनकम जीरो है, तो क्या खाना बंद कर दिए, पहनना बंद कर दिए, नहीं ना। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम हमारी जीरो होगी तब भी हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपेंस करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखो जब हमारी इनकम जीरो है तो कंजप्शन हमने कितना किया है 20। अब देखना क्या चेंजेस आ रहे हैं, इनकम हमारी 50 हो गई तो कंजप्शन कितना है 60 है, और इनकम हमारी 100 है तो कंजप्शन क्या है 100 है, और इनकम हमारी 150 है तो कंजप्शन 140 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इनकम से, हमारी इनकम जैसे जैसे बढ़ने लगती है
ठीक है, हमारा कंजप्शन भी बढ़ता है, और एक ऐसा टाइम होता है कि इनकम जितनी होती है कंजप्शन के बराबर हो जाती है, और ऐसा भी एक टाइम आता है कि जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है और हम लोग कंजप्शन क्या करते हैं, कम करते हैं। तो कॉन्सेप्ट में दिमाग में रख के यही चलना है तुम लोग को, तभी ये टेबल बना पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं इनकम और कंजप्शन की। तो इनकम की लाइन तो देखो ऐसी होती है, 45 डिग्री ऑफ लाइन होती है इनकम की, 45 डिग्री, और कंजप्शन उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कट करते हुए जाता है, क्योंकि जीरो है ना हमारी इनकम, तो कंजप्शन कितना है 20 है, और जब 50 हुआ तो कंजप्शन कितना हुआ 60, तो इसका मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कट करते हुए जाता है। देखो 100 पे कट किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। अब आते हैं कुछ टर्म्स पे, जब हमारा इनकम जीरो होगा तो कंजप्शन कुछ ना कुछ होगा, इसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन या फिर ऑटोनॉमस कंजप्शन। अच्छा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का स्लोप कौन बताता है, वो बताता है एमपीसी, ना कि एपीसी। एपीसी नहीं बताता है, कौन बताता है, एमपीसी बताता है। एमपीसी होता क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी का मतलब एडिशनल ऑफ कंजप्शन अपॉन एडिशनल ऑफ इनकम। अब हम लोग बात करते हैं एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन की। तो यहां पे सी दे रखा है ना, फिर उसके बाद दे रखा है सी बार। सी बार का मतलब क्या है, सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजप्शन, जो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, जीरो था तो कंजप्शन कितना हो गया 20, तो सी बार कितना हो जाएगा यहां पे 20 हो जाएगा, प्लस बी। बी का मतलब होता है एमपीसी, एमपीसी, और वाई का मतलब इनकम। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई का एक फॉर्मूला होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं सेविंग फंक्शन की। सेविंग फंक्शन हम लोग को ऐसे समझ लो कि सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी, ठीक है। इनकम में से अगर कंजप्शन को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, सेविंग। तो इनकम ये है, कंजप्शन ये है, घटाएं तो क्या आ गया, सेविंग आ गया। तो सेविंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, निगेटिव होता है। अच्छा ये बताओ, जब हमारी इनकम जीरो होगी तो क्या हम कुछ सेविंग कर पाएंगे, हम कुछ ना कुछ कंजप्शन कर सकते हैं बट सेविंग नहीं कर सकते। तो यही समझ लो कि इनकम अगर हमारी जीरो होगी तो सेविंग क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव सेविंग है, और धीरे 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 वो पॉजिटिव होता जाएगा। तो देखो हमने निगेटिव से स्टार्ट किया है और कहाँ पे लेके आके छोड़ दिए, पॉजिटिव पे लाके छोड़ दिए। तो ऐसे ही दिमाग में बना लो कि हमको अगर सेविंग की लाइन बनानी है तो निगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ बनानी है। देखो जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा प्रैक्टिस करो ग्राफ का, क्योंकि ग्राफ क्या होता है, दिमाग से निकल जाता है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बना लो कि जब सेविंग निगेटिव होगा, निगेटिव से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब हमारी इनकम जीरो होगी तो कंजप्शन कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ लेवल पे होगा ही होगा। सेविंग का फॉर्मूला क्या है, निगेटिव सेविंग, पहला क्या है, निगेटिव है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब हमारा कंजप्शन कुछ ना कुछ होगा, तो जब हमारी इनकम जीरो होगी और कंजप्शन कुछ ना कुछ होगा तो सेविंग क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया। और सेविंग को बताया किसने, एमपीएस ने बताया। एमपीएस क्या होता है, एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो एमपीएस का फॉर्मूला हमने कर लिया एपीएस, एमपीएस किससे निकला है, एपीएस से। एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, सेविंग अपॉन वाई। अगेन इसका स्लोप, ठीक है, एमपीएस ने दिया है ना कि एपीएस ने दिया है। अगली बात एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन की करते हैं। सेविंग का एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन होता क्या है, तो माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई। वन माइनस बी मतलब एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू वन होता है। तो अगर हम लोग एमपीएस निकालना है, यहाँ पे एमपीएस होता है बेसिकली, तो एमपीएस निकालना है तो वन माइनस एमपीसी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन माइनस एमपीसी। तो ये हमारी क्लास एग्रीगेट डिमांड की खत्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का एक पूरा फ्रेम दूंगा। आप इसको क्या कर सकते हो, ठीक है, रिवीजन क्लासेस में ज़्यादा इसकी मदद ले सकते हो। कान में हेडफोन डालो और सारा का सारा रिवाइज कर लो, एक बार इसको ऐसे पढ़ लो, ठीक है। बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है। बट अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और हमेशा इसका जो डायग्राम है उसको एक कंक्लूसिव तरीके से पढ़ो। कंक्लूसिव मतलब कि इसको प्रैक्टिस करके पढ़ो, कॉन्सेप्ट बना के पढ़ो, देन ठीक है। टिल देन बाय।